मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर वासियों को सौगात देंगे। यहाँ पे बस्तर संभाग को 562.70 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कुल 158 कार्यों का लोकार्पण और 224 कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। 82,000 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्री का वितरण किया जाएगा। झीरम में वे शहीद मेमोरियल भवन की आधारशिला रहेंगे। इसके बाद बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे। और सीधे इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष पारी लाइव जुड़ गए हैं। आज बस्तर है, आशुतोष, सीएम भूपेश बघेल का क्या कुछ बस्तर वासियों के लिए खास सौगात, खास तोहफा मुख्यमंत्री बघेल आज देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बस्तर दशहरा का ये खास रस्म होता है जो मुरिया दरबार में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं और जो मुरिया मांझी हैं वो अपने जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो समस्याएं हैं वो उनके सामने रखते हैं और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ सभी अधिकारी भी मौजूद हैं और अधिकारी के द्वारा उनके समस्याओं का निराकरण किया जाता है और तत्काल तौर पे ये निराकरण होता है। हालांकि ये 141 वर्षों से चला आ रहा है जो मुरिया दरबार यहाँ पर लगा जाता है। पहले तो राजा इसका सम्मानित करते थे इसको, और राजा जो है वो मुरिया दरबार में मौजूद रहते थे और मांझी चाल की जो मेम्ब्रेन है उनकी समस्याओं को सुनते थे। और हालांकि अब जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, हर वर्ष आते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का जो दौरा है, बस्तर दौरा है, वो करीब 562 करोड़ की सौगात बस्तर वासियों को देने वाले हैं यहाँ पर, और साथ ही जिसमें झीरम शहीद मेमोरियल का भवन के लिए यहाँ पर नींव रखा जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा, साथ ही कई सामानों का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा मुरिया दरबार में आके शामिल होंगे, मुरिया दरबार में मांझी चालकी का जो समस्याएं हैं वो सुनेंगे। हालांकि कांग्रेस सरकार पहले से ही यह कह रही थी कि हमारे सरकार आने के बाद जो शहीद हुए हैं, जो झीरम कांड में जो देश से बड़ कांड में शामिल है झीरम कांड, उसके लिए यहाँ पर भवन का निर्माण किया जाएगा। हालांकि वो पल पास आ गया है और कांग्रेस सरकार आने के बाद यह भवन रखा जाएगा, भवन का नींव रखा जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। साथ ही अधिकारिक मेस में जो पुलिस अधिकारिक मेस है उसके वहां पर भोजन की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें मांझी चालकी और मेमोरियल जो है उनके साथ मुख्यमंत्री भोजन करेंगे और उसके बाद रायपुर के लिए रवाना होंगे। हालांकि अगर बात करें विकास कार्य की, तो जो मुख्यमंत्री या बस्तरवासियों के लिए जो 662 करोड़ का जो विकास कार्यों का सौगात देने वाले हैं, इससे बस्तरवासियों में काफी खड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि बस्तर में यह प्रयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस सरकार आने के बाद काफी विकास कार्यों को देखने को मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री जो विकास कार्यों का सौगात बस्तरवासियों को देने वाले हैं, इससे यह देखने वाली बात होगी कि यह विकास बस्तरवासियों के लिए कितना अच्छा साबित होता है, क्योंकि चुनाव के पास ही आने वाला 2.5 साल लग बीत चुके हैं और जो बस्तरवासियों की जो उम्मीद है उस पर कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो खड़े उतरते हालांकि दिख रहे हैं। हालांकि उत्सव तो है बस्तरवासियों में, लेकिन देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री इसके अलावा और क्या बस्तरवासियों के हक में करते हैं। जी, उत्सव तो होना ही है, जाहिर सी बात है, करोड़ों के विकास कार्य की सौगात जो आज उन्हें मिलने जा रही है। लेकिन आशुतोष, आपसे जानना ये चाहेंगे, जिस मुरिया दरबार का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि मुरिया दरबार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, जरा इसकी प्रक्रिया हमें सिलसिलेवार तरीके से समझाइए कि कैसे होता है मुरिया दरबार, कौन लोग आते हैं और जिन समस्याओं के बारे में जिक्र होता है किस तरह समस्याओं का हल होता है? जी बिल्कुल, जो मुरिया दरबार है वो 1876 में इसकी शुरुआत की थी। हालांकि उस वक्त जो ग्रामीण अंचल हैं उसमें से प्रमुख लोगों को चुना जाता था, मांझी के तौर पे उनको पदभार दिया जाता था और वो जो लोग होते हैं जो ग्रामीण की समस्याएं हैं वो ग्रामीण की समस्याओं को यहाँ पर आते हैं, राजा के सामने रखते हैं और राजा के सामने रखने के बाद उसका निराकरण होता है। हालांकि जो राजा थे वो उसका साफ तौर पे यही कहना था कि जो भी ग्रामीण समस्याएं हैं या फिर लोगों की जो समस्या है वो डायरेक्ट आकर राजा से कहें ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उनको पूरा कर सकें। हालांकि काफी समय तक जो राजा हैं वो इनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसके बाद जो
यहाँ के राजा थे उनके प्रवीण चंद्र भंजदेव थे, उनके मृत्यु होने के बाद जो राज परिवार यहाँ पर मांझी जो मुरिया दरबार होता था वहाँ पर मौजूद नहीं रहते थे, और उसके बाद ही जो प्रशासन है 2005 के बाद यहाँ पर जो नेता मंत्री हैं जो यहाँ पर मुखिया होते हैं वो यहाँ पर आकर और जो मांझी चाल के हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। हालांकि काफी साल पहले से ये परंपरा चलते आ रहा है और 2005 के बाद यहाँ पर कमचंद भंजदेव जो प्रमचंद भंजदेव के बेटे हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और समस्या सुनते हैं। हालांकि ये काफी प्रमुख रस्म माना जाता है मांझी और ग्रामीणों के लिए, क्योंकि समस्या काफी होती है, उनकी समस्या अपने समस्या यहाँ पर रखने के लिए वो पहुँचते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार जो पिछले साल के मुकाबले इस बार कम लोगों को बुलाया गया है, लेकिन उसमें प्रमुख लोगों को ही बुलाकर और उनकी समस्याओं को सुनने की बात यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है कोविड की वजह से, सैनिटाइजर से लेकर और थर्मल स्कैनिंग तक यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे सबसे पहले दंतेश्वरी माता का दर्शन करेंगे, उसके बाद मुरिया दरबार में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कब तक प्रस्तावित है, कब तक मुख्यमंत्री जाएंगे और कौन कौन से कार्यक्रम है, साथ ही जो सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर देने जा रहे हैं तो बस्तर के विकास के लिहाज से कितने ज्यादा मायने रखते हैं ये सौगात? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री रायपुर से 11:45 का वक्त जो है निर्धारित है उस वक्त वो निकलेंगे, वहाँ से 12:50 पे जोधपुर के एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। उसके बाद से ही वो यहाँ दंतेश्वरी मंदिर आएंगे, करीब 1 बजे का कार्यक्रम उनका है, मंदिर कर दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद ही मुरिया दराज में वह शामिल होंगे और जो मांझी चाल की उनकी समस्याओं को सुनेंगे। उस बाद 2 बजे करीब लालबाग मैदान में वो जिरम शहीदी जो मेमोरियल का भवन का निर्माण किया जाएगा उसके लिए उनका नींव रखेंगे। उसके बाद ही पुलिस अधिकारी मेज में मांझी चालकी और इनके साथ भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद शाम को उन्हें रायपुर रवाना हो जाएंगे। हालांकि जो बस्तर के लिए विकास कार्यों का स्वागत दे रहे हैं इसमें काफी बस्तर में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि जो 600 करोड़ की सौगात यहाँ पर मिल रही है तो बस्तर वासियों में काफी खासा उत्साह है और खुश भी हैं, क्योंकि बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जो अब तक जो विकास यहाँ पर हो रहे हैं अंदरूनी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां तक मूल रूप से सुविधाएं पहुंच नहीं पाती हैं, रोड नहीं पहुंच पाते हैं और जो बिजली है वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो अगर ये जो सौगात है उसमें ये भी शामिल है कि रोड पुल पुलिया और कनेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा तो काफी खुश होंगे ग्रामीण, क्योंकि वो इन मूलभूत सुविधाओं से काफी वंचित रहते हैं और वहां जमीनी स्तर तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। देखने की बात होगी मुख्यमंत्री जो सौगात पर दे रहे हैं वो कितना उनके लिए साबित होता है, कितना फल साबित होता है उसके लिए, गिरने वाली बात की जी। महत्वपूर्ण जी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि आशुतोष मुरिया दरबार तो हर साल लग रहा है, आप बता रहे हैं कि राजा महाराजाओं के काल से लगातार हर साल लगता आया है, उस साल भी लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार पहुंच रहे हैं, क्या हर साल इस तरह के आयोजन होते हैं, हर साल बस्तरवासियों को इस तरह के विकास कार्यों की सौगात मिलती है या पहली मर्तबा हो रहा है? जी बिल्कुल, जब से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं, हालांकि बीजेपी की बात की जाए जब वो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे वहां पर वो भी आते थे और विकास कार्यों का सौगात देते थे, इस बार कांग्रेस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो यहाँ पर विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। हालांकि पिछले दशक में भी वो मुरिया दरबार में मौजूद हुए थे और कई विकास कार्यों की यहाँ पर सौगात दिए थे बस्तरवासियों के, जिसमें एक इंद्रावती नदी भी शामिल था। हालांकि इंद्रावती नदी काफी समय से सुर्खियों में बने रहता है क्योंकि वो सूख जाता है, तो उसको लेकर जो वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान का यहाँ पर निर्माण करने का सौगात दिए थे, जो जिसका काम अभी भी निर्माण जारी है। और इस बार भी जो यहाँ पर सौगात मिल रहा है बस्तरवासियों को, जिसमें काफी ज्यादा बस्तरवासियों को यहाँ पर सौगात मिल रहा है और काफी खुश हैं। हालांकि हर वर्ष ये होता है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं, राजा महाराजाओं के समय से ये चलते आ रहा है कि बस्तर में विकास कार्यों को इस वक्त दिया जाता है। लगातार नजर आप बनाए रखिए और अपडेट्स लगातार देते रहेगा इस कार्यक्रम से जुड़े, बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे इस वक्त।